सो गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो. दिस इज आयुष एंड आज अपने साथ में है एमजी हेक्टर पेट्रोल सीवीटी जो कि टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है सेवी प्रो. इससे ऊपर कोई भी वेरिएंट जो है वो इस गाड़ी के अंदर नहीं आता है और पेट्रोल सीवीटी टॉप रखा गया है बिकॉज डीजल के अंदर मैनुअल आता है और पेट्रोल के अंदर मैनुअल भी आता है बट जो सीवीटी अगेन वो टॉप है और उसी के अंदर एडास के सारे फीचर्स जो हैं वो आप लोगों को मिल जाते हैं. तो आज इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इस गाड़ी को चेंज कर देते हैं लाइक जो चेंजेस आ चुके हैं इस कार के अंदर पुरानी वाली हेक्टर से उनको मैं हाईलाइट करूंगा इस वीडियो में और प्रैक्टिकल सारी चीजें टेस्ट करके अपन लोग देखने वाले हैं. अगर डिटेल पूरा एक एक चीजें गाड़ी की देखनी है तो एक वॉक अराउंड मैंने करा हुआ है, आई बटन पे लिंक छोड़ दूंगा, आप लोग देख लेना. और साथ ही इस गाड़ी को लाइक जो पहले वाला वर्जन था उसको मैंने 2500-3000 किलोमीटर चलाया था और एक ड्राइव रिव्यू भी पूरा कंप्लीट करा हुआ है, माइलेज टेस्ट भी करा हुआ है, वो सब भी आप देख सकते हो. बट पर्टिकुलर नई कार के साथ आज मुझे सिर्फ एक दिन का टाइम मिला है तो जो चीज़ें मैं प्रैक्टिकल टेस्ट खुद करके आप लोगों को बता सकता हूँ वो सारी चीज़ें आज आप लोगों को बताने वाला हूँ. सो गाइस चलिए चला के देख रहे हैं अपन कार को, ऑल न्यू एमजी हेक्टर 2023. और मैं आज इस वीडियो में आपको सबसे पहले जो है इसका जो TGA है, ट्रैफिक जैम असिस्ट फंक्शन, वो चला के बता रहा हूँ. इसकी स्पीड मैंने 50 किलोमीटर पर आवर की जो है वो सेट की हुई है और अभी देखते हैं. मेरा ये वाला फुट आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं बिल्कुल इसको फ्री रख के बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर मार्किंग नहीं है. दैट्स वाई जो लेन असिस्ट वाला फंक्शन होता है वो वर्क नहीं करेगा. जब वो आगे अगर रोड पे आता है तो वो भी अपन यूज़ करके देखेंगे. मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं कम से कम ब्रेक पे और एक्सेलरेटर पे अपना इनपुट जो है वो दूँ. तो कार कितना खुद से मैनेज कर पाती है वो अपन चेक कर रहे हैं. दोनों हाथ में स्टीयरिंग पे आप लोग देख पा रहे हैं और 50 की स्पीड सेट करी हुई है. कार 50 की स्पीड से मूव कर रही है, आगे ट्रैफिक है, अभी तक स्पीड रिड्यूस नहीं हुई है. ओ ठीक है, मैं पैर वहाँ तक लेके गया बट स्टिल मैंने लगाया नहीं अभी तक पैर. जैसे ही लगाऊंगा मैं आपको बताऊंगा, अभी भी लगाया नहीं है पैर, लाइक मेरा ऐसे ही फ्री है. बट स्टिल क्या है कि मन में थोड़ा सा डर लगता है ना कि टकरा नहीं जाए, किसी को डैमेज ना हो, अपने को डैमेज ना हो. दैट्स वाई मैं वहाँ पे पास में रखा हुआ है पैर मैंने, अभी वापस से इस तरफ लेके आ गया हूँ मैं. और अभी मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो रखी हुई है. जो गैप है उसको आप मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली. जैसे सपोज़ वो गाड़ी चल रही है, मेरे को उससे कितना गैप रखना है, ठीक है, वो उसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज जो है आप इन स्विचेस से यहाँ पर कर सकते हैं. ये चीज़ बहुत अच्छी है. एक्चुअली में होता क्या है कि अपने इंडिया में अगर इतनी डिस्टेंस भी किसी को मिलेगी वो बीच में घुस जाएगा, ठीक है. तो ये डिस्टेंस भी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा, लाइक मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ये है. और अभी यहाँ पर स्टेयरिंग जो है वो भी खुद से वर्क कर रहा था थोड़ी देर के लिए, बिकॉज यहाँ पर मार्किंग लाइट हुई तो उसने बता दिया कि मार्किंग जो है थोड़ी सी कम है. दैट्स वाई वो स्पीड उसने कम भी करी और बता भी दिया मुझे कि स्टेयरिंग तो आपको खुद से संभालना है. आगे की गाड़ी जो है वो चल रही है उसके हिसाब से, मेरी कार चल रही है 50 की सेट है स्पीड, बट 40 की स्पीड जो है वो मैं मैनेज कर पा रहा हूँ. अभी एक्चुअली होता क्या है कि जैसे बीच में कोई गाड़ी आई तो ये ऑटोमेटिकली खुद से और कम कर लेती है स्पीड. तो ये थोड़ा सा रहता है कि एकदम से कोई बीच में आ गया और इसने गलती से एकदम इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए तो थोड़ा सा डर जो है वो लगता है कि पीछे वाली गाड़ी जो है वो आपको कहीं ना ठोक दे. बाकी लिटरली ये फर्स्ट इंप्रेशन है मेरा, तो फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये. अभी लेन मार्किंग जो है वो कार को समझ आ रही है और कार उसके ऊपर वर्क कर रही है. लेफ़्ट लेके निकलते हैं बिकॉज इधर शायद ये लोग राइट टर्न के लिए. ओके अभी मैंने एक्सेलरेट करा है बिकॉज कार बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी, बाइक वाला एकदम आ गया था. और उतनी देर अगर मैं स्लो रखूँगा तो डेफिनेटली फिर कोई ना कोई बीच में आ जाएगा. तो ब्रेक तो मैंने प्रेस नहीं करा है, ठीक है, ब्रेक मैंने प्रेस नहीं करा है, मैं सिर्फ एक्सेलरेटर जो है उसको मेरे को थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करने के लिए प्रेस करना पड़ा और अभी भी मेरा पैर एक्सेलरेटर पे है. ओके वापस से पैर हटाते हैं क्योंकि अपन जितनी स्पीड मैंने सेट करी है उसके आसपास ही चल रहे हैं. Today's weather is hazy sunshine, 22.2 degrees in tech hand. अब ये चीज जो है वो काफी अच्छी है इसलिए डर नहीं लगता है यहाँ पर. मतलब लाइक अभी मैं स्क्रीन भी चला रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्योंकि ये कार खुद से ब्रेक मार रही है. स्टेयरिंग पे इधर उधर जो इसका असिस्टेंट सिस्टम जो है वो काम कर रहा है तो वो मुझे पता चल रहा है कि हाँ यार ऑटोमेटिकली मेरी कार रुक रही है. मैं कुछ तो रैंडमली लिख रहा हूँ.
और ये चीज़ मैं इसलिए आपके सामने लाइव करके देख रहा हूँ कि ये कार कितना गाइड कर पाती है मुझे। मेरा ध्यान इधर भी है और इधर भी है, ठीक है, उसके बावजूद जो है मैं प्रॉपर तरीके से स्क्रीन चला पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कंप्लीट फोकस यहाँ रख दिया और उधर छोड़ दिया है कि कार कैसे बिहेव कर रही है। सिर्फ मुझे ये देखना है कि कितनी देर तक बिना ब्रेक पे पैर लगाए मैं कार को चला सकता हूँ। जब से मैं आपसे बात करना स्टार्ट करा है, मैंने एक्सीलरेटर जहाँ पर दिया मैंने आपको बताया, ब्रेक अभी तक मैंने जो है वो अप्लाई नहीं करा। अब मेरे को इधर टर्न लेना है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये रास्ता तो मुझे याद है। ओके, अभी भी देखो टर्न पे इसका जो रडार है वो डिटेक्ट कर पा रहा है कि आगे गाड़ी कहाँ पर चल रही है और कितनी स्पीड पे चल रही है, तो उसको पता है। मतलब ऐसा नहीं है कि टर्न पे कार या मतलब लाइक एकदम स्पीड पकड़ लेगी या स्पीड कम ज़्यादा कर लेगी, वो चीज़ नहीं हो रही है। अभी देखते हैं पूरा कंप्लीट स्टॉप होता है या नहीं होता है। ओके, तो देखो ऑलमोस्ट कार 10 की स्पीड से भी नीचे लेके आ गई है। मैं 5 की स्पीड पर क्रॉल कर रहा हूँ बिना ब्रेक पे टच करे और वापस से जो है वो चल रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना कि ये प्रैक्टिकल टेस्ट कर पा रहा हूँ मैं, रीज़न इसका यही है कि लाइक ट्रैफिक जैम असिस्ट ये है तो वो कितना हेल्पफुल है, इसलिए ये ज़रूरी है टेस्ट करना। एक तो गाड़ी मेरे पास में है और ट्रैफिक भी ठीक ठाक है यहाँ पर, तो अपन सारी चीज़ें अच्छे से टेस्ट करेंगे। हाँ, एक चीज़ और, जैसे ये ब्रेक लगाती है ना तो एक छोटा सा मतलब खर ऐसे, मतलब ऐसे खर करके ऐसे आवाज़ आता है कि वो जो व्हील्स हैं उसको पकड़ा है ब्रेक ने, वैसे करके कुछ साउंड आता है। पानी की बोतल बच रही है, गाड़ी में कुछ नहीं बच रहा है, गाड़ी का केबिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है। यहाँ मार्किंग नहीं है, फिर यहाँ पे मार्किंग कैसे काम कर रही है? यहाँ कहाँ से मार्किंग दिख रही है इसको? ओके, तो ऑटो की वजह से देखो कार स्लो हुई, ब्रेक मैंने नहीं मारा। अगेन अब थोड़ा बहुत कार के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये देखो साइड में से कोई आया तो भी थोड़ा सा पता चला कि हाँ, कार के बारे में ये बात कर रहे हैं कि जो इंजन है, अगेन 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है, 143 हॉर्स पावर, 250 Nm ऑफ टॉर्क, CVT गियर बॉक्स, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। इंजन से रिलेटेड कोई परेशानी हजन सच मुझे है नहीं कि इंजन जो है वो आपको परेशान करे या कुछ और हो तकलीफ़ हो आपको चलाने में। गाड़ी में ठीक ठाक सी पावर जो है वो रहती है, और यहाँ पर भी अभी मैंने ब्रेक नहीं मारा, ठीक है, तो बिना ब्रेक से जो है वो गाड़ी चल रही है। आई हैव टू टेक अ यू टर्न। अब ये यू टर्न का इशू डेफिनेटली होगा, क्योंकि यहाँ देखो ये गाड़ी हटी सामने से आई थिंक, और मेरे को ब्रेक लगाना पड़ा। यहाँ पर आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा क्योंकि कार को ये नहीं पता है ना कि आगे जो है वो कितनी जगह है या नहीं है। ठीक है, तो अभी सीन ये है कि एक बार मेरे को जो है वो ब्रेक लगाना पड़ा, बाकी हजन सच कोई परेशानी नहीं आई। मैं वापस से स्पीड सेट करता हूँ एंड फिर अपन अगेन ट्राई करते हैं कि कैसे जो है वो गाड़ी लेके जा पा रही है अपने को। यहाँ एक्चुअली ये मैप गलत रास्ता बता रहा है मुझे, सो मैंने खुद से इनपुट लिए। ट्रैफिक ज़्यादा होने पे आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार गाड़ी के भरोसे ना रहे अपन, खुद से जो है वो चलाएं, तो वही एक बात है। बाकी ऐसा सच कोई परेशानी नहीं है, कार काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो काम कर रही है। तो ऑलमोस्ट मैंने मोटा मोटा डेमो जो है वो आप लोगों को बता दिया है ऑल न्यू MG हेक्टर का, कि कैसे ये चलती है, कैसे ये पूरा काम करती है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंटिल देन गाइस, बाय बाय, ड्राइव सेफ, राइड सेफ। मैं थोड़े से कबूतर को यहाँ पर दाने खिला देता हूँ।